भाजपाइयों द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को महंगी जमीनें बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया गया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया है, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद भी लगातार जारी है। ऐसे ही एक विवाद है जमीन खरीद को लेकर। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया है। ये जमीनें अधिकारियों से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी है। अब इस पूरे मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है और लिखा है, अयोध्या में भाजपाई लूट का पर्दाफाश। इस वीडियो में सुरजेवाला ने कई बीजेपी नेताओं और उनके रिश्तेदारों का नाम उजागर किया जिनके द्वारा जमीन खरीदी गई। वेद प्रकाश गुप्ता एमएलए अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के, उनके भतीजे तरुण मित्तल द्वारा 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन 21 नवंबर 2019 और 29 दिसंबर 2020 को खरीदी गई। इंदर प्रताप तिवाड़ी भाजपा एमएलए गोसाईगंज अयोध्या 2,593 स्क्वायर मीटर जमीन भाजपा के इस विधायक महोदय द्वारा 19 नवंबर 2019 को खरीदी गई और उसके बाद इनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 6,320 स्क्वायर मीटर जमीन 16 मार्च 2021 को खरीदी गई। भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जिनके साले के द्वारा 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची गई थी, उन्हीं के द्वारा 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी गई। बलराम मौर्य जो भाजपा नेता भी हैं और ओबीसी कमीशन के यूपी के मेंबर भी हैं, 9,375 स्क्वायर मीटर जमीन 28 फरवरी 2020 को राम मंदिर की पेरिफरी में खरीद ली गई। हर्षवर्धन शाही जिसे मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया है, लगभग 1,000 स्क्वायर मीटर जमीन उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को मंदिर के साथ खरीद ली गई। एमपी अग्रवाल डिविजनल कमिश्नर अयोध्या, पुरुषोत्तम दास गुप्ता चीफ रेवेन्यू कमिश्नर अयोध्या, दीपक कुमार डीआईजी अयोध्या और न जाने कितने और अधिकारियों द्वारा राम मंदिर के चारों तरफ वाली जमीन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही खरीद ली गई। हालांकि इस वीडियो में सुरजेवाला ने सिर्फ बीजेपी नेताओं का नाम लिया है, लेकिन इनके अलावा कई अधिकारी और दूसरे लोग भी जमीन खरीद में शामिल हैं। योगी सरकार ने हालांकि जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है जिसे विपक्ष भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कई करीबियों का फायदा हो रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इन लोगों में कुछ ने तो जमीन खरीदने की बात स्वीकार की है तो कुछ ने इससे साफ इनकार भी किया है। ऐसे में अब इस विवाद को शांत करने के लिए और सच्चाई पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जांच के आदेश के बीच विपक्ष ने इसे फिर बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस की तरफ से सीधे पीएम मोदी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अयोध्या जीवी में लूट पर प्रधानमंत्री मोदी जी मौन हैं। आदरणीय मोदी जी, इस खुली लूट पर अब आप कब बोलेंगे? अब तो हमारे दलित भाइयों को भी बख्शा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के एक और समर्थक महेश योगी जी ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से पहले 21 बीघा जमीन जिसकी कीमत 9.5 करोड़ रुपया है 25 लाख में ट्रस्ट के नाम करवा ली और फिर उसे भी अधिकारियों को बेच दिया गया। हम सबको मालूम है
कि दलितों को आपतित की गई जमीन सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति यूपी में नहीं खरीद सकता, परंतु राम मंदिर के चारों तरफ की दलितों की जमीन भगवान श्री राम तो भीलनी के बेर खाया करते थे और ये दलितों की जमीन भी हड़प गए, इन्होंने उन्हें भी नहीं बख्शा। साथियों, बात बड़ी सीधी है और बात ये है कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम तो मर्यादा हैं, भगवान राम तो सनातन हैं, भगवान राम तो सत्य हैं, भगवान राम तो प्रेम हैं, परंतु उन्हीं भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की अयोध्या नगरी के अंदर भारतीय जनता पार्टियों द्वारा जमीनों की खुली लूट का धंधा चल रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से मौन धारण किए हैं, एक शब्द उनके मुंह से निकल नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी, अब इस खुली लूट पर आप अपना मुंह कब खोलेंगे? कांग्रेस पार्टी और देश के लोग और राम भगत ये सवाल पूछते हैं। आदरणीय मोदी जी, क्या ये रामद्रोह नहीं? क्या ये रामद्रोह से कम कुछ है? अंधेर नगरी चौपट राजा का धंधा अब अयोध्या में भाजपा ही चला रहे हैं, पर शायद वो भूल गए कि भगवान श्री राम के घर में देर तो हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं हो सकती। इसलिए पाप और श्राप के भागी हैं सारे भाजपाई, और अब प्रधानमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि वो मंदिर के चंदे की लूट की जांच कब करवाएंगे। इसके अलावा सुरजेवाला ने एक और वीडियो शेयर की और लिखा कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। और उस वीडियो में कहा, भाजपाइयों द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को महंगी जमीनें बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया गया, चंदे की चोरी की गई, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। भाजपाइयों द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को महंगी जमीनें बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया गया, चंदे की चोरी की गई। हमने देखा किस प्रकार से 5 मिनट में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई और चंदे की चोरी कर ली गई, जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के भव्य निर्माण भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिया था। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई, 1250% मुनाफा मात्र 79 दिन में कमा लिया गया और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों का चंदा है उसे लूट लिया गया। जो जमीन 4000 रुपया आदित्यनाथ सरकार ने कलेक्टर रेट पर रखा है उसे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 28000 रुपया वर्ग मीटर के कलेक्टर रेट पर बेच डाला गया। राम मंदिर ट्रस्ट को न केवल निजी संपत्ति बल्कि सरकारी संपत्ति को निजी लोगों द्वारा बेच दिया गया और पैसा अर्जित कर लिया गया। और अब जो सनसनीखेज तीसरा खुलासा सामने आया है वो और चिंता का विषय है, और वो है कि राम मंदिर अयोध्या नगरी में मंदिर के चारों तरफ भाजपा के विधायकों, भाजपा के मेयर, भाजपा के आयोग के सदस्यों, भाजपा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और आदित्यनाथ सरकार के आला अफसरों द्वारा ओने पोने संपत्ति अर्जित कर ली गई है। इस तरह से कांग्रेस जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगा रही है और ठीक चुनाव से पहले इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में योगी सरकार के लिए भी यह मुद्दा सिरदर्द बना हुआ है। आइए जाते जाते रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। भगवान श्री राम के नाम पर जो भाजपाई लूट चल रही है उसका पर्दाफाश करने के लिए आपके बीच हैं। देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। अब इस देश को भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र पर इन 2 शब्द वाक्यों के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। आज मोदी जी और योगी जी दोनों को
हम तुलसीदास जी की वो दो लाइनें याद दिलाना चाहते, नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। यानी राम नाम की आस्था के साधन मोदी जी और योगी जी दस गुना बढ़ जाते हैं, परंतु राम नाम की आस्था को खंडित करके कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि दस गुना नुकसान होता है। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट, और अब भगवान राम के की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट। ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं।